हेल्थ संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं बल्कि यूट्रस का कारण और निवारण। देखिए, बल्कि यूट्रस से घबराने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि यूट्रस नॉन कैंसरस होता है और आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन आज की डेट में एक प्रमुख समस्या है महिलाओं की। तो इस वीडियो में पूरा हम लोग यही देख लेते हैं कि बल्कि यूट्रस होता क्यों है और उसके लिए कौन सी दवा लिया जाए। तो देखिए, जो बल्कि यूट्रस है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, यानी हार्मोनल असंतुलन के कारण यूट्रस बल्कि हो जाता है। तो बल्कि यूट्रस होने का यही कारण है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस न हो इसके लिए जरूरी है कि पीरियड रेगुलर आए और टाइम पर आए और 3 से 5 दिन तक रहे, तब उसको नॉर्मल मेनस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेनस्ट्रुअल साइकिल में शरीर में कई हार्मोनल चेंज होते हैं जो कि यूट्रस की वाल को पीरियड के समय बाहर निकालते हैं। तो देखिए, जब भी पीरियड होगा या एमसी होगा तो यूट्रस की जो दीवाल है ना वो टूट के निकलती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो टूट के निकलने में दिक्कत होगी और उस वजह से यूट्रस बढ़ सकता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस मेन वजह है उसका। सामान्य अवस्था में यूट्रस का जो साइज है 7.5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो नॉर्मली यूट्रस ऐसे ही होता है, इतने ही साइज का ना। अब जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान यूट्रस का साइज देखिए 35 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर × 22 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी गर्भावस्था में यूट्रस लगभग 4 से 5 गुना बढ़ जाता है ना। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है गर्भावस्था के बाद ना। गर्भावस्था के बाद 4 से 6 हफ्ते में यूट्रस अपने सामान्य साइज का हो जाता है। तो यही ध्यान देने की जरूरत है, जब भी प्रेगनेंसी हो तो उसके बाद 4 से 6 हफ्ते तक कंप्लीट रेस्ट में रहें, बैलेंस डाइट लें ना, ताकि जो शरीर में चेंज हुए हैं वो नॉर्मल आ जाए। दिक्कत क्या होती है, गर्भावस्था के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद लोग ध्यान नहीं देते और काम में कंप्लीट तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो बढ़ा हुआ यूट्रस है अपने सामान्य साइज पर नहीं आ पाएगा। शरीर इसके लिए रजिस्ट करती रहती है, शरीर चाहती है कि ये यूट्रस 35 इतना जो है ना ये नॉर्मल इतने में हो जाए, लेकिन आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं। आप दूसरे चौथे दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं या फिर अपने जो रेगुलर काम है उसको करने लगते हैं, वजन उठाने लगते हैं। तो इस वजह से बढ़ा हुआ यूट्रस अपने सामान्य स्थिति में नहीं आ पाता है। तो यही मेन रीजन है। तो करें क्या, जब भी प्रेगनेंसी हो, बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद 4 से 6 हफ्ते तक बस हल्का फुल्का काम करें, वजन कतई न उठाएं, घर पे रहें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, सीढ़ी पर चढ़ना उतरना अगर जरूरी न हो तो ना करें। तो अगर ऐसा करेंगे आप तो यूट्रस आराम से नॉर्मल हो जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। और जो भी जल्दीबाजी में रहते हैं ना, सोचते हैं कि अब तो बच्चा पैदा हो गया, अब तो कुछ करना नहीं है और अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हीं का यूट्रस बल्कि हो जाता है। अगर यूट्रस बल्कि हो गया, बल्कि यूट्रस के कारण रेक्टम और यूनि ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है। अगर यूट्रस बल्कि हो गया तो रेक्टम पर प्रेशर डालेगा, यूनि ब्लैडर पर प्रेशर डालेगा। तो इस वजह से सिम्टम्स जनरेट होते हैं। तो जरूरी है कि 4 से 6 हफ्ते आप रेस्ट करें। उस दौरान शरीर के अंदर जो भी चेंज हुए होंगे वो सब नॉर्मल हो जाएंगे और बल्कि यूट्रस के कारण जो भी पेन लक्षण आता है, सिम्टम्स आते हैं वो तो जानते हैं आप। मेन प्रमुख सिम्टम्स क्या है बल्कि यूट्रस के कारण, ब्लीडिंग, पेन और क्रम्प, क्रैम्प जैसे लक्षण आते हैं। पूरा पैर जो है उसमें क्रैम्प जैसे आते हैं। ब्लीडिंग हैवी हो सकती है, पेन कंटिन्यूअस बना रह सकता है पेड़ों में,
तो इस तरह से जो लक्षण हैं इनके अलावा भी और कई सिम्टम्स आते हैं, तो बल्कि यूट्रस से आसानी से बचा जा सकता है। और खास बात, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि यूट्रस नॉन कैंसरस होता है, यानी कैंसर नहीं होगा। बल्कि यूट्रस खुद कैंसर नहीं होता, इससे कैंसर नहीं होगा। दिक्कत क्या है कि आप जिन किसी को भी बल्कि यूट्रस पता चल जाता है तो लोग घबरा जाते हैं और सर्जन के पास जाते हैं, तो सर्जन कभी भी ये सलाह नहीं देते कि आप दवा करिए। वो कहते हैं कि इस यूट्रस को निकलवा दीजिए। तो देखिए, यूट्रस को निकलवा देने से शरीर में और दूसरे दिक्कतें आती हैं। इस तरह से यूट्रस को निकलवाए नहीं और घबराएं तो बिल्कुल नहीं, एक कैंसर नहीं है। बल्कि यूट्रस से घबराने की जरूरत नहीं, यह नॉन कैंसरस होता है, मींस कैंसर नहीं है। होम्योपैथिक दवा से सही हो जाता है और सर्जरी तो न करवाएं। तो सर्जरी इसका इलाज नहीं है, होम्योपैथी में सुपर दवा है, आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, आप इसका सेवन करें और आपका जो बल्कि यूट्रस है वो नॉर्मल जरूर होगा। तो पहली दवा है अल्टेरिस फेरिनोसा क्यू, इसकी 20 बूंद सुबह 1 कप पानी में डालकर पीजिए। तो अल्टेरिस फेरिनोसा क्यू 20 बूंद सुबह 1 कप पानी में डालकर पीना है। और दूसरी दवा है अरम्योर नेट्रोनेटम, 3x पावर की मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा 6x पावर की। टेबलेट्स आते हैं, अगर छोटे टेबलेट्स हैं तो चार चार टेबलेट्स यूज करें, और अगर बड़े टेबलेट्स हैं तो केवल एक टेबलेट्स यूज करें। बड़ा छोटा टेबलेट्स इस बात पर डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आपको मिला है। तो किसी भी कंपनी का आप लें, अगर छोटे साइज का है तो चार चार टेबलेट्स, और बड़े साइज का है तो केवल एक टेबलेट्स, 3 टाइम जीभ पर रखें। तो ये दूसरी दवा है अरम्योर नेट्रोनेटम। और तीसरी दवा है अशोका क्यू, 20 बूंद शाम को 1 कप पानी में डालकर पीजिए। तो इन 3 दवाओं से आपके बल्कि यूट्रस का जो साइज है वो नॉर्मल होगा और आपकी सभी समस्याओं से निश्चित निजात मिलेगा। एकदम ट्रस्टेड मेडिसिन है, कई लोगों के बढ़े हुए यूट्रस को ये मेडिसिन नॉर्मल कर चुकी है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी काम की लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि उनके भी नियर बाय में अगर किसी को समस्या हो तो आप इन दवाओं को उनको बता सकें और उनकी भी समस्या सॉल्व हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।